नमस्कार, रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ मिल्क शेक। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में अगर ठंडा ठंडा मिल्क शेक पीने को मिल जाए तो बात ही कुछ और है। और ये हेल्थी भी होता है, टेस्टी तो होता ही है। तो चलिए आज हम देखते हैं 5 तरीके से मिल्क शेक हम कैसे बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिले मेरी रेसिपी सबसे पहले। थैंक यू। पहले मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ। मैंगो शेक बनाने के लिए मैं 2 चम्मच कटे हुए आम के टुकड़े डाल दूँगी, 2 चम्मच मैं चीनी डाल दूँगी और 1 कप दूध। आम को मैंने पहले से ही धो के काट के रख लिया था और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहे तो बर्फ़ के टुकड़े ग्राइंड करते वक्त भी डाल सकते हैं और चाहे बाद में डाल दीजिएगा। दूध मेरा बिल्कुल चिल्ड है और ये देखिए मेरा मैंगो शेक बन करके तैयार हो गया है। मैं इसे ग्लास में कर दूंगी और अब मैं बना लूंगी स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी शेक के लिए मैंने 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है। आप चाहें तो 2-3 स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, 2 चम्मच चीनी और 1 कप दूध। इसमें भी दूध मैंने बिल्कुल चिल्ड डाला है, गर्म दूध नहीं डालेंगे। और ये देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी शेक भी बन करके तैयार हो गया है। पहले हम गिलास को थोड़ा गार्निश कर लेंगे। मैं स्ट्रॉबेरी क्रश से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहें तो रोप जैसे भी गार्निश कर सकते हैं। और फिर हम इसमें अपना शेक डाल देंगे, ये देखिए, और बर्फी क्यूब डाल देंगे। और कितना सुंदर हमारा गिलास हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम बनाएंगे चीकू शेक। चीकू शेक के लिए मैंने 2 चम्मच चीकू डाल दिए हैं जो मैंने पहले से ही धो के काट के रख लिए थे, और 2 चम्मच चीनी और 1 कप दूध। ध्यान रखिएगा दूध हमें चिल्ड ही डालना है। और ये देखिए हमारा चीकू शेक भी बनकर के तैयार हो गया है। और इसे भी हम ग्लास में कर लेंगे सर्व करने के लिए। मैं इनकी गार्निश बाद में करूँगी क्योंकि अगर मैं पहले से गार्निश कर लूँगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगी और आपको दिखाई नहीं देगी। और अब हम बनाएंगे पिस्ता शेक। पिस्ता शेक में हम काजू भी डाल सकते हैं और बादाम भी, जो हम भिगो के छिलका उतार के रख सकते हैं और वो हम फिर डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच पिस्ता डाल लिया है, 1 चम्मच मैंने दूध डाल लिया है और 2 चम्मच चीनी। और ये देखिए हमारा पिस्ता शेक भी बन करके तैयार हो गया है। कुछ क्यूब हम बर्फ भी डाल देंगे और फिर अपना पिस्ता शेक डाल देंगे। और अब हम बनाएंगे ओरियो शेक, जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। इसके लिए मैंने 4 बिस्किट इसमें तोड़ करके डाल दिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं, जितना आपको थिक रखना हो उतना ही। 2 चम्मच चीनी डाल दूंगी स्वाद अनुसार और 1 कप दूध। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो ओरियो की जगह कोई दूसरे ब्रांड के बिस्किट भी ले सकते हैं। और ये देखिए मेरे ओरियो शेक बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे भी सर्व करने के लिए ग्लास में कर लेंगे और कुछ क्यूब बर्फी डाल देंगे। और देखिए हमारे कितनी जल्दी 5 शेक बन करके तैयार हो गए हैं। गार्निश हम आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स, नारियल का बरूदा या टूटी फूटी से कर सकते हैं। ये मैंगो से कहता है, इसमें थोड़ी सी फाँके में मैंगो की डाल दूंगी, ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, चीकू में कुछ फाँके में चीकू की डाल दूंगी और सर्व करूंगी। और जो हमारा ओरियो शेक है उसे हम चॉकलेट सिरप से और आइसक्रीम और टूटी फूटी से गार्निश करेंगे। और ये देखिए कितनी जल्दी हमारे फटाफट से 5 मिल्क शेक बन करके तैयार हो गए हैं। अपने बच्चों की, बड़ों की पसंद से मिल्क शेक बनाइएगा, पिलाइएगा। और प्लीज़ अगर रेसिपी पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।